Hello students, we will start with the next part of combinatorial chemistry, that is classification of combinatorial chemistry. So combinatorial chemistry is mainly classified into two types, that is solid phase synthesis and solution phase synthesis. So firstly, we will see solid phase synthesis, that is how to apply combinatorial chemistry in the way of solid phase synthesis. Okay. So now, what is solid phase synthesis? Now, for the synthesis here, the name says that it is solid phase. So, synthesis ke liye hum yaha pe kuch to solid use kar rahe hain for synthesis. But kaise synthesize kar rahe hain? By using the combinatorial chemistry. So here we know that during the synthesis there are two things, that is reactant and the product that is obtained after the synthesis. So here the reactants are bound to polymeric surface and modified while they are attached to the that polymeric surface. Okay, means yahan pe kya le rahe hain, hum koi solid surface le rahe hain aur usko hum kya kar rahe hain, reactants are bounding to that surface and thereby there is the formation of the product, and after the formation hum wo product ko kya kar lenge, निकाल लेंगे, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ सिंथेसिस. लाइक जैसे हमको कुछ माला बनानी है तो हम क्या करते हैं बेटे, एक नीडल, और नीडल में हम क्या करते हैं धागा डालते हैं और उसके थ्रू फिर थ्रू द नीडल हम उसमें क्या डालेंगे, मोती डालेंगे सपोज. तो आफ्टर मोती जब बन जाते तो हम नीडल को निकाल लेते हैं. तो सेम यहाँ पे हम नीडल की जगह, मतलब नीडल इज अवर पॉलीमेरिक सरफेस एंड उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को अटैच कर रहे हैं, लाइक मोती जैसे अटैच कर रहे वैसे, और फिर उस तरीके से अटैच करके हम जब हमारा फॉर्मेशन हो जाता है माला का, जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नीडल को निकाल लेते हैं. वैसे ही हम यहाँ पे उस पॉलीमेरिक सरफेस को निकाल लेते हैं, तो वो देखेंगे कैसे. सो फर्स्टली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर combinatorial chemistry by solid surface, by using the solid surface or solid phase. Okay, so firstly the resin bead or solid support is required, है ना? आपने हमने अभी बोला कि polymeric surface की जरूरत है, तो that is the resin bead. कोई resin sticky, resin का bead होता है, bead, और वो हम use कर रहे हैं for the solid support. And the next is an anchor or linker. लिंकर की क्या जरूरत है, टू लिंक दैट रिएक्टेंट टू द सॉलिड सरफेस, है ना? सॉलिड सरफेस पे हम रिएक्टेंट्स अटैच करने वाले, तो अटैच कैसे होंगे, बाय यूजिंग द लिंकर. ओके, देन द बॉन्ड, लिंकिंग द सबस्ट्रेट टू द लिंकर. कोई बॉन्ड रहेगा जो लिंकर को पॉलीमेरिक सरफेस से कनेक्ट करेगा, दैट इज द बॉन्ड. एंड नेक्स्ट इज द मींस ऑफ क्लीविंग द प्रोडक्ट. अब क्या हो रहा है, लास्ट में जब हम माला बना लेते हैं तो हम कैची का यूज करके कट कर देते हैं धागा, तो उससे क्या होता है, नीडल निकल जाती है. तो सेम हमको यहाँ पे भी फॉर क्लीविंग, फॉर कटिंग द सॉलिड सरफेस, क्योंकि सॉलिड सरफेस की जरूरत है क्या हमको, नहीं. हमको क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है रिएक्टेंट से. हम सिर्फ वो सॉलिड सरफेस का यूज कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन, सपोर्ट बोल के यूज कर रहे हैं, तो इसलिए लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीव करना पड़ेगा. सो फॉर क्लीविंग वी आर यूजिंग सम प्रोडक्ट एट देन द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द फंक्शनल ग्रुप. जैसे एज वी नो कि कोई भी कंपाउंड का जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कहाँ पे होता है, एट फंक्शनल ग्रुप. जैसे कोई भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो है, दैट इज मोर प्रोन फॉर द रिएक्ट, फॉर रिएक्टिंग विद अनादर रिएक्टेंट, है ना? तो इसलिए हमको अगर कोई रिएक्शन में उस ग्रुप का यूज नहीं लेना है, और जैसे रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH जो ग्रुप है वो रिएक्शन में पहले पार्ट लेता है. अगर कोई रिएक्शन में हमको COOH ग्रुप का यूज नहीं करना है तो हम उसको क्या लगा देंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे, जो उसको प्रोटेक्ट करेगा और वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, दैट इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप. तो सबका हम अब एक एक से यूज देखते हैं कि सब कैसे यूज होता है. ओके, सो फर्स्टली द बीड्स, दैट इज द सॉलिड सपोर्ट. तो सॉलिड सपोर्ट का कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड सपोर्ट और बीड्स मस्ट बी एबल टू स्वेल इन द सॉल्वेंट यूज एंड रिमेन स्टेबल. ओके,
मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है कि इट शुड रिमेन स्टेबल. क्यों? क्योंकि अगर वो रिएक्शन में पार्ट ले लिया, जैसे हमको अमाइनो एसिड्स को कनेक्ट करके कुछ प्रोटीन पेप्टाइड बनाना है, अगर सॉलिड सपोर्ट बीच में घुस गया रिएक्शन में तो कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा. इसलिए इट शुड बी स्टेबल एंड इनर्ट. ओके, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट्स एंड इट शुड स्वेल इन द सॉल्वेंट यूज. अगर हम कोई उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं एंड इट शुड स्वेल in that solvent because the most of the reaction occur in the bead interior. जो bead होता है resin bead, तो अगर वो swell होगा तो swell होने से क्या होगा, यहाँ पे आप इसमें image में देख सकते हो. swell होने से पहले हमने देखा resin bead है, resin bead के हमको कुछ point नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे हम reaction करें, ठीक है. लेकिन after swelling अब हमको बहुत सारे points मिल गए जहाँ पे हम linker link करके आगे अपना रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं. तो आफ्टर स्वेलिंग क्या होता है कि हमको सॉल्वेंट डालने के बाद आफ्टर स्वेलिंग हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे रेजिन पे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे हम रिएक्शन कर सकते हैं. तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमको बहुत सारा स्कोप मिल जाता है फॉर द रिएक्शन. सो दैट्स व्हाई बीड्स में क्या है, बीड इज द सॉलिड सपोर्ट रिएक्ट फॉर द रिएक्शन टू ऑकर, जैसे हमने नीडल बोला था. और बीड्स का यूज क्या है, इट शुड स्वेल और शुड बी स्टेबल. ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, बीड्स स्वेल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का होता है बीड्स के इंटीरियर में होता है. तो इंटीरियर में कैसे जाएगा, कोई भी कंपाउंड, कोई भी लिंकर, जब वो स्वेल होगा, नॉर्मल बीड में वो नहीं जा सकता. ओके, सो नेक्स्ट इज एंकर और लिंकर. अब एंकर लिंकर हमको पता है कि लिंकर, लिंक इज टू लिंक द सॉलिड सपोर्ट विद द रिएक्टेंट. हम लिंकर यूज कर रहे हैं. ओके, सो इट शुड कोवेलेंटली बॉन्ड विद द सॉलिड सपोर्ट, है ना. सॉलिड सपोर्ट को वो बॉन्ड होना चाहिए एंड विच कंटेन्स अ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. ऐसा कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिससे वो सॉलिड सपोर्ट को बॉन्ड हो. अगर वैसा कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं हुआ तो वो सॉलिड सपोर्ट को बॉन्ड ही नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए वो जरूरी है. देन मतलब अब केमिस्ट्री में हमको ऐसे पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, कोई भी केमिकल है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है. ओके, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट. तो यहाँ पे क्या है कि हमको एंकर, लिंकर और बीड में एक रिलेशन है. दैट इज यहाँ पे हमको लिंकर और बीड ज्यादा यूजफुल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट. तो उन दोनों में भी कोई ना कोई केमिस्ट्री होना चाहिए, उन दोनों में भी रिएक्शन होना चाहिए. ओके, सो लिंक मस्ट बी स्टेबल, नॉर्मल है. कोई भी चीज आप इसमें यूज कर रहे हो अदर देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी स्टेबल, लेकिन अदर देन रिएक्टेंट अगर कोई भी यूज कर रहे हो चीज, तो वो स्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो रिएक्शन में पार्ट ले लेगी और कोई नया कंपाउंड फॉर्म कर देगी. ओके, एंड इट शुड बी इजिली क्लीव. लास्ट में हमको क्या करना है, उसको काट के बाजू में ही करना है, लिंकर को और बीड को. तो वो इजिली क्लीव होना चाहिए, उसमें से इजिली निकल जाना चाहिए, है ना. तो इसलिए भी वैसा होना चाहिए वो कंपाउंड. देन लिंकर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप टू बी अटैच, है ना. इट इज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप टू बी अटैच, लिंकर्स आर इम्पोर्टेंट. नहीं तो कोई भी लिंकर यूज किया ऐसे नहीं होता, है ना. देन रेजिन्स आर नेम टू डिफाइन द लिंकर. ओके, मतलब रेजिन का नाम किस पे डिपेंड करता है, ऑन द लिंक. तो लिंकर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर, हम बोल रहे हैं कि सॉलिड सपोर्ट पे रिएक्टेंट फॉर्म होके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वहां पे रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन मेन इसमें रिएक्टेंट और बीड्स के बीच में कौन है, दैट इज लिंकर. तो वो लिंकर क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए, इट शुड कोवेलेंटली अटैच विद द bead with the proper functional group, or then depending on the functional group it should attach and the desired functional group on the product. Product में हमको जो functional group चाहिए उसके depending हम linker लेंगे. And resins are named to define the linker, मतलब resin को नाम हम किस पे से देते हैं जिससे वो linker को define करें. जैसे carboxylic acid resin, तो उससे क्या पता चलेगा कि लिंकर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है.
तो हियर इन लिंकर आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाइल चूजिंग द लिंकर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका भी फंक्शनल ग्रुप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाइल चूजिंग द लिंकर. ओके, देन टाइप्स ऑफ रेजिन एंड लिंकर. नाउ हमको पता है कि रेजिन का नाम किस पे से लेते हैं, लिंकर पे से. ओके, सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी इन दिस वे द रेजिन एंड लिंकर इज अटैच्ड टू द reactants. Okay, so first is the Wang resin. So in Wang resin ka use kya hai, it is the in the Wang resin. Ab aap bologe resin hai, fir uske aage aisa kyu diya hua hai ki linker. To humne pehle hi padha tha ki linker pe se resin ka naam diya jata hai. To Wang resin matlab kaun se linker hai ki which attach to the carboxylic acid. Okay, so in this way Merrifield resin तो पेप्टाइड प्रोडक्ट्स, लिंकर सुटेबल फॉर पेप्टाइड प्रोडक्ट्स. अगर हमको पेप्टाइड प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हम मेरीफील्ड रेजिन लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं तो हम वैंग रेजिन लेंगे. देन रिंक रेजिन लिंकर सुटेबल फॉर द अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ कार्बोक्सामाइड. इन दिस वे हाउ द लिंकर फंक्शनल ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिन, दैट इज द नेम ऑफ रेजिन इज बिकॉज ऑफ द लिंकर फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो तब आपको ज्यादा इजी जाएगा. ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा बीड है, दैट इज रेजिन, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, उसको लिंकर अटैच होता है, फिर उसको हमारा कंपाउंड अटैच होता है. ओके, सो हियर रेजिन हमारा कैसे चाहिए, सॉलिड 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 तो वो होता ही है. सो रेजिन कैसा चाहिए, इट शुड बी स्टेबल और इट शुड स्वेल. और लिंकर कैसा चाहिए कि उसका प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और लिंकर के फंक्शनल ग्रुप पे से हम रेजिन को नाम देते हैं. जैसे हम यहाँ पे देखा जाता है वैंग रेजिन, तो वैंग रेजिन अगर आपको बोला तो वहां पे आपने लिंकर, नहीं तो आप वैंग रेजिन अगर आपने अगर आप कर रहे हो सपोज सॉलिड बाय सॉलिड सिंथेसिस, अगर आप कॉम्बिनेटरल केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और मैंने बोला वैंग रेजिन लिया हो, तो अगर वैंग रेजिन आपको यहाँ पे यूज करना है तो आप क्या करोगे, हाँ वैंग रेजिन यूज कर रहा है लेकिन लिंकर कौन सा यूज करना है. अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैंग रेजिन ही मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिंकर लाना है. दैट इज नथिंग बट द लिंकर, वैंग रेजिन नथिंग बट द लिंकर. सो इन दिस वे वी शुड रियलाइज द नेम ऑफ द रेजिन लिंकर इज डिपेंडिंग ऑन द लिंकर फंक्शनल ग्रुप and resin. Then protecting groups. Protecting group क्यों यूज करते थे, क्योंकि कोई रिएक्शन का कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में पार्ट लेता है, कोई भी रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप अगर रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और हमको उस रिएक्शन में उसको पार्ट नहीं लेने देना है तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे उसको. तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे उसको तो क्या होगा, वो अब रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा. ओके, जैसे अगर कुछ झगड़ा हो रहा है कहीं पे और हमको चाहिए कि ये पर्सन उस झगड़े में शामिल ना हो तो हम उसको रूम बंद कर देंगे. तो रूम में बंद कर रहे हैं तो दैट इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वो काम कौन कर रहा है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप. तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिंग ग्रुप रहते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिंग ग्रुप रहते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग लिंकर रहते हैं और उस पे डिपेंडिंग रेजिन्स रहते हैं. ओके, सो फॉर अमाइंस वी आर यूजिंग द बीओसी, दैट इज ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, फ्लोरिनिल मिथॉक्सी कार्बोनिल, देन टू ट्रायमिथिलिसिल सिलिल इथॉक्सी कार्बोनिल, एंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड दीज आर द ईस्टर कार्बोन ईस्टर groups, that is tertiary butyl ester, 9-fluoronyl methyl ester and 2-trimethylsilyl ethyl we are using for carboxylic acid. So in this way these are the examples of the protecting groups that we are using. So in exam you can also draw the structures of this, or for the competitive exams you just keep in mind the names for which functional group you are using which protecting group. Okay, so next is the, now we will see how to apply this reaction, that is this solid phase synthesis practically. Okay, so this is the Merrifield resin for peptide synthesis. Merrifield resin peptide synthesis ke liye use hota hai.
सो हियर मेरिफिल रेजिन मतलब क्या हुआ, लिंकर भी हम वही यूज करेंगे जो पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए हम यूज कर रहे हैं. ओके, सो मेरिफिल रेजिन फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस. अब हम यूज देखेंगे कि कैसे सब कुछ यूज होता है. हमने अभी तक देखा कि हम यूज कर रहे हैं रेजिन, दैट इज बीड्स. ओके, देन उसके बाद में लिंकर जो लिंक करता है, देन थर्ड इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो हम यूज करते हैं. ये तीनों चीजें के अब हम इसमें कैसे यूज करते हैं. सो मेरिफिल इज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ये निकाला था, जिसने सॉलिड फेज सिंथेसिस निकाला, जिसने कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री निकाला, तो उसने अपना ही नाम दे दिया फॉर पेप्टाइड सिंथेसिस, हाउ वी कैन यूज सॉलिड फेज सिंथेसिस. ओके, सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी फर्स्ट इज द रेजिन वी आर यूजिंग. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो रेजिन यूज कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द रेजिन. अब ये जो रेजिन है इसको ये कंपाउंड अटैच है, इट इज नथिंग बट द अमाइनो एसिड. नाउ दिस BOC, ओके, दिस BOC इज व्हाट, इट इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप. अब ये क्या है, ये पूरा अमाइन है. अमाइन का मेन क्या होता है, अमाइन का अमाइनो एसिड्स का मेन अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट इज अमाइनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है NHOH, लेकिन अमाइन का फंक्शनल ग्रुप इट इज NH2. तो NH2 का हमने क्या किया, अब यहाँ पे रिएक्शन अगर हम नॉर्मली करें तो कहाँ पे होगी, NH2 पे होगी, इसलिए हमने NH2 को क्या कर दिया, उसको हमने प्रोटेक्शन लगा दिया, दैट इज BOC, दैट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने लगा दिया. ओके, अब हमको रिएक्शन कैसे प्रोसीड होना है, हमने क्या किया यहाँ पे, रेजिन यूज कर दिया, लिंकर यूज कर दिया और प्रोटेक्टिंग ग्रुप तीनों यूज कर लिए. अब पहले हम रिएक्शन में क्या करेंगे, आगे बढ़ाना है रिएक्शन को, तो क्या करेंगे, रिएक्शन होना चाहिए प्रोसीड, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी प्रोटेक्शन, इस BOC को हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि NH2 रिएक्ट हुए आगे और पेप्टाइड सिंथेसिस करें. व्हाट इज मीन बाय पेप्टाइड, पेप्टाइड इज द चैन ऑफ अमाइनो एसिड. एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से रिएक्ट करना है, दूसरे को तीसरे, ऐसे हमको चैन बनाना है अमाइनो एसिड्स की. ओके, सो आफ्टर डी प्रोटेक्शन, BOC डी प्रोटेक्शन निकालने के बाद में क्या होगा, इट विल बी NH2. अब हमारा जो अमाइन है वो रेडी है टू रिएक्ट एंड टू फॉर्म द पेप्टाइड चेन. उसका क्या हो गया, अब एक्टिवेशन हो गया. नाउ आफ्टर एक्टिवेशन, नाउ वी विल ऐड द अमाइनो एसिड इन दिस कंपाउंड. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अमाइनो एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारा NH2 रेडी है रिएक्ट होने के लिए. तो अब हम नेक्स्ट अमाइनो एसिड जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका कपलिंग होगा इसके साथ, है ना. फिर उन दोनों का कपलिंग होके वहां पे होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द, नाउ इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी देयर आर टू अमाइन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड चेन. अब नेक्स्ट हमको और बड़ा और पेप्टाइड चेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से NH को हमने क्या लगा दिया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, फिर से उसका क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग ग्रुप निकाल देंगे, उसके बाद वो रिएक्टिव हो जाएगा, फिर उसमें हम और अमाइनो एसिड ऐड करेंगे, फिर लास्ट में जब हमारी पेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएंगी तो हम क्या करना है, लिंकर एंड रेजिन को कट करना है, क्लीव करना है. लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको क्लीव करेंगे, उसके बाद हमको क्या मिलेगी, ये पेप्टाइड चेन. सो इन दिस वे देयर आर थ्री स्टेप्स, दैट इज फर्स्ट इज द डी प्रोटेक्शन, फोर्थ स्टेप दैट इज फर्स्ट इज डी प्रोटेक्शन, आफ्टर डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक्टिव, तो एक्टिवेशन हो गया उसका, एंड देन देयर इज कपलिंग. After activation क्या होगा, नाउ इट इज रेडी टू रिएक्ट, रेडी टू रिएक्ट मतलब दूसरे कंपाउंड के साथ कपलिंग करेगा. आफ्टर कपलिंग हमारा सपोज अब पेप्टाइड चेन फॉर्म हो गया, तो हमको क्या करना है, रेजिन को निकाल देना है जो हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज किया था, एंड देन वी विल डू द क्लीवेज, एंड आफ्टर क्लीवेज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड. अब हमको ब्रॉडर एस्पेक्ट में वही चीज है, पेप्टाइड सिंथेसिस ब्रॉडर इसमें इजी वे में देखना है, तो इन दिस यू कैन सी दैट दिस इज द अमाइनो एसिड टू विच देर इज टू, यहाँ पे क्या अटैच है, टेम्पररी प्रोटेक्टिंग ग्रुप और सेमी परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच है. अब हमको क्या करना है, रेजिन पहले लोड करेंगे स्टेप वाइज, फर्स्ट इज द लिंकर,
और रेजिन हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। कहाँ पे लोड करेंगे? अब हमको रिएक्शन करना है वहां पे हम रेजिन लोड करेंगे। जहां पे हमारा रिएक्शन नहीं होगा तो OH ग्रुप है वहां पे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना है उसको, सिर्फ NH ग्रुप को रिएक्शन में पार्ट लेना है। तो OH की जगह पे हम लिंकर अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द टेम्पररी लिंकर। अब देन दिस इज द डी प्रोटेक्शन। ओके, फिर डी प्रोटेक्शन हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, दो कपलिंग, दैट इज the next amino acid is reacting with the first deprotected activated amino acid and there is the formation of the what is peptide, and then after the formation of peptide the cleavage and deprotection। cleavage के बाद में यहाँ पे semi permanent group हम निकालेंगे। तो इन्होंने जो हम डीप्रोटेक्शन करते तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टेम्पररी प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया है जिसका ही डीप्रोटेक्शन होगा, बाकी दूसरे सेमी परमानेंट ग्रुप का नहीं होगा। तो अगर हमको कोई कंपाउंड में अगर ज्यादा अल्किल ग्रुप से अटैच है तो हमको ऐसे, जैसे यहाँ पे क्या है कि NH है और R है, तो कहीं कहीं कोई अल्किल ग्रुप बहुत रिएक्टिव होते हैं तो उनको हमको ये सेमी परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सकते हैं जो कि बार बार निकालने का काम नहीं है। दैट्स व्हाई द नेम इज सेमी परमानेंट, पूरी तरह परमानेंट भी नहीं है, लास्ट में निकालना ही है। एंड द NH इज अटैच्ड टू द टेम्पररी क्योंकि ये हमको बार बार निकालना है डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। इन दिस वे दिस पेप्टाइड सिंथेसिस हैपेंस बाय सॉलिड फेज सिंथेसिस। सो नाउ अब हमको पता है कि पेप्टाइड चेन फॉर्म होने के बाद में हमने क्या किया, रेजिन को और लिंकर को क्लीव कर दिया, कट कर दिया। अब क्लीव और कट कैसे करते हैं, वहां पे थोड़ी कैची यूज होती है, वहां पे पूरा वो केमिकल लोचा, तो हमको जो भी यूज करना है केमिकल ही यूज करना है। तो फॉर क्लीविंग एसिड, कोई कंपाउंड अगर कोई लिंकर अगर एसिड लेबल है सेंसिटिव एसिड से तो हम उसमें एसिड डाल देंगे तो वो लिंकर वहां पे कट हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। बेस और न्यूक्लियोफिलिक कोई लिंकर है अगर उसमें बेस डाले तो उसके साथ वो रिएक्शन करके अपना अलग ही प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, मतलब इस रिएक्शन वेसल में से तो वो क्लीव हो गया। हाइड्रोजनोलाइसिस सेम, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एंजाइम ऐड करेंगे, देन पैलेडियम कैटालाइज, दैट इज यहाँ पे रिडक्शन करेंगे। फोटोकेमिकल, कोई अगर फोटोकेमिकल दैट इज लाइट और केमिकल को सेंसिटिव है तो उसको हम यूज करेंगे, लिंकर वहां पे क्लीव हो जाएगा रिएक्शन वेसल में से। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, दैट इज किसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन करे तो लिंकर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन के कारण उससे कंपाउंड के साथ ऑक्सीडेशन फॉर्म करके अपना नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, इस रिएक्शन वेसल में से निकल जाएगा। सो दीज आर द क्लीविंग मेथड्स, बट दीज मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोडक्ट। नहीं तो ऐसा ना हो क्या, ये एसिड हम डाले और वो अपने रिएक्शन, हमने इतना बड़ा पेप्टाइड चेन बनाया उसके साथ ही रिएक्ट हो गया, अपना नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दे। तो डिपेंडिंग ऑन द दोज रिएक्टेंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द लिंकर फंक्शनल ग्रुप हमको ये मेथड, क्लीवेज मेथड हमको यूज करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज नाउ दिस इज द इक्विपमेंट फॉर सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। ऐसे बॉटल्स होते हैं उनमें अमाइनो एसिड ऐड करते हैं और इन दिस वे उसको कमांड दिया जाता है, उस हिसाब से वहां पे पेप्टाइड सिंथेसिस होता है। देन नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस। तो सो हमको पता है कि एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे मेन एडवांटेज क्या है कि हम कोई सपोर्ट यूज कर पा रहे हैं, है ना, विच इज बीड्स जिसको हम बाउंड करते हैं और वो रिएक्शन वेसल में मिक्स भी नहीं होता है, सो दैट इज द मेन एडवांटेज। देन नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म आर डिफरेंट फ्रॉम बीड, है ना, वो रिएक्शन वेसल में यूज भी नहीं होता है, डिफरेंट फ्रॉम बीड, और जो बीड्स हमने यूज किए हम उसका फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब एक रिएक्शन में अगर हमने बीड यूज कर लिए क्लीविंग करने के बाद वो बीड हमको दूसरे रिएक्शन के लिए वैसे की वैसे काम में आता है, उस बीड का काम हो गया ऐसे नहीं, वो फिर से रीयूजेबल है, इट इज रीयूजेबल। एंड द एक्सेस रिएजेंट एंड बाय प्रोडक्ट्स आर इजीली रिमूव्ड, लिंकर इज इजीली रिमूव्ड एंड दे डोंट नीड टू प्यूरिफाई, लिंकर और इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। और वैसे अगर हम कोई भी कन्वेंशनल सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल बीड्स कैन बी सेपरेटेड टू आइसोलेट द इंडिविजुअल कंपाउंड्स एंड पॉलीमेरिक सपोर्ट कैन बी रीजनरेटेड एंड रीयूज आफ्टर क्लीविंग द प्रोडक्ट, जो मैंने बताया था। एंड ऑटोमेशन इज पॉसिबल, दैट इज इन द डायग्राम यू कैन सी, यू कैन ऑटोमेटिकली और बाय द मशीनरी you can do this reaction। okay, so
समझ गया. तो दैट्स व्हाई द सॉलिड फेज सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द बीड्स एज अ सॉलिड सपोर्ट एंड दे डोंट गेट रिएक्ट विद द मिक्सचर और आवर प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं होता है और उसको इजीली हम प्यूरीफाई कर सकते हैं. रीयूजेबल है वो और इजीली हम रिएक्शन वेसल में से उसको क्लीव भी कर सकते हैं एंड दे आर फिजिकली इनर्ट. ओके देन लेट्स सी द समरी. तो समरी में सॉलिड फेज सिंथेसिस मेनली कैसे यूज हो रहा है कि हम सॉलिड सपोर्ट यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं लिंकर अटैच कर रहे हैं एंड टू द लिंकर फिर बाद में जो कंपाउंड है जो भी प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना है लाइक पेप्टाइड सिंथेसिस हम यहाँ पे लेते हैं तो पेप्टाइड के लिए हमको अमाइनो एसिड यूज करना है तो अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप जो है वो रिएक्शन में जल्दी पार्ट लेगा तो उसको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे. सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं जो कि फॉर अमाइंस और थायल्स और यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनी दे आर बेस लेबाइल. बेस लेबाइल मीन्स सेंसिटिव टू बेस. ओके मतलब जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमको डी प्रोटेक्शन करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे बेस यूज कर सकते हैं. एसिड लेबाइल तो जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप और लिंकर हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं एसिड यूज कर सकते हैं. तो इन दिस वे हर लिंकर रेजिन और प्रोटेक्टिंग ग्रुप का अपना अपना केमिकल नेचर है और डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोडक्ट जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म करना है उस हिसाब से हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिंकर और रेजिन यूज करते हैं और उसी हिसाब से उनका क्लीविंग मेथड होता है अलग अलग इसका. तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं रेजिन के विच इज अ सॉलिड सपोर्ट लिंकर विच अटैचेस द रेजिन टू द कंपाउंड और टू द रिएक्टेंट्स. ठीक है एंड रिएक्टेंट्स में ऐसा जो कंपाउंड है जो इजीली जो ज्यादा रिएक्टिव है जिसका हमको रिएक्शन में काम नहीं है उसको क्या लगा देते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप. तो जिसका बार बार रिएक्शन में हमको डी प्रोटेक्शन करना है उसको टेम्पररी प्रोटेक्टिंग ग्रुप और जिसका हमको थोड़े पूरी रिएक्शन होने तक कुछ भी यूज नहीं है उसको सेमी प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लगा देते हैं. फिर नेक्स्ट इज द कपलिंग ऑफ एन एटम प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड. दैट इज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कपलिंग कर रहे हैं. सो फॉर कपलिंग द कपलिंग रिएजेंट्स आर यूज. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन फॉर कपलिंग ऑफ द कपलिंग रिएजेंट जो कपल करते किसको कपल करते हैं हम एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ. सो दीज आर ऑल्सो द रिएजेंट्स वी यूज लाइक हम कन्वेंशनल मेथड में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं. सो हियर कपलिंग रिएजेंट डू द सेम और समवॉट सिमिलर थिंग लाइक कैटलिस्ट. देन मेरिफिल पेप्टाइड सिंथेसिस जो कि हमने रेजिन लिंकर प्रोटेक्टिंग ग्रुप कपलिंग रिएजेंट यूज करके जो पेप्टाइड सिंथेसिस किया है उसमें हमने क्या किया है पहले हमने लिया है रेजिन उसको लगाया है अमाइनो एसिड अटैच किया रेजिन को लिंकर को. रेजिन बोला कि लिंकर दिमाग में आना चाहिए लिंकर बोला कि रेजिन दोनों एक दूसरे को अटैच रहते हैं. ओके देन उसको हमने क्या किया अमाइनो एसिड अटैच किया अमाइनो एसिड का रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है NH2. तो NH2 को हमको अभी क्या करना है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना है तो हम उसका क्या करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसको लगा देंगे. ओके अब हमारा प्रोडक्ट रेडी है फॉर द रिएक्शन. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप को निकालना पड़ेगा दैट इज द डी प्रोटेक्शन. आफ्टर डी प्रोटेक्शन नाउ योर अमाइन ग्रुप इज एक्टिवेटेड टू अट्रैक्ट और टू रिएक्ट विथ अनादर अमाइनो एसिड. ठीक है तो अब अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड सो अनादर वी विल एड अनादर अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड डालेंगे तो अब दूसरा अमाइनो एसिड क्या होगा वहां पे कपल होगा दैट इज इट विल रिएक्ट विद द फर्स्ट अमाइनो एसिड जिसको हमने डी प्रोटेक्ट किया है. नाउ देयर इज कपलिंग एंड नाउ देयर इज इन दिस वे ये प्रोसीजर हमको बार बार रिपीट करना है और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड and thereby now you can cleave that peptide from the resin. In this way it is useful. So this solid phase synthesis is very important for the exam part of you. ये exam में बहुत बार आ चुका है और आता है that's why you should know everything that is Merrifield peptide synthesis is also important. Okay. So thank you so much.